मधुरो वाचि नियमः प्रकृत्या कल्याणी मतिहनवगीतः परिचयः पुरोवा पश्चाद्वा तदिदम विपर्यासित रसम् रहस्यम् साधुनामनुपधि विशुद्धम् विजयते। अर्थात प्रेम पूर्ण व्यवहार, नम्रता के कारण मधुर वाणी का संयम, स्वभाव से ही मंगलकारी बुद्धि, पवित्र परिचय, ऐसा यह मिलन से पहले और बाद में एक सा वाला प्रेम, निश्चल और विशुद्ध सज्जनों का चरित्र सदा विजय को प्राप्त होता है। ऐसे विद्वान महापुरुष को मेरा सादर नमन। जब समाज अपने नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी से भटक जाता है, तब हर बार ईश्वर ऐसे मनुष्यों को धरती पर भेजता है जो अशिक्षा, अनीति, अन्याय और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध ज्ञान का शंखनाद करते हैं और उसकी गूंज पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों तक सुनाई देती रहती है। शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता और साहित्य की पताका लहराते हुए पर्यावरण को अपना मित्र, समाज सुधार को अपना नैतिक कर्तव्य समझने वाले, जीवन भर कर्म को ही ईश्वर की दी गई सीख से स्वयं सीखते और बाद में सिखाते रहने की चेतना को जगाए रखने के अपने संकल्प को अडिग होकर निभाने वाले प्रोफेसर ओम प्रकाश मालवीय सच्चे अर्थों में एक महान कर्मयोगी थे। प्रोफेसर ओपी मालवीय मार्क्सवादी संत थे। संत थे जब हम कहते हैं तो लगता है जैसे कि एक चोट सी महसूस होती है। संत हैं क्योंकि वो सत्कर्म देह से हमारे बीच अभी हैं। वो अतीत हो के भी, कमलेश्वर के शब्दों में कहें तो, हमारा आगामी अतीत है। उन्होंने पीढ़ियों को तैयार करने का काम किया है। कल्याणी देवी इलाके में जाने पे लगता है आज भी कि जो संघर्ष का हरापन था उनका, उन्होंने पेड़ों को, वृक्षों को, फूलों को, पत्तियों को, पर्यावरण को, प्रकृति को दे दिया। ऐसा लगता है कि वो हरेपन में आज भी जिंदा हैं। और उनको याद करते हैं तो वही एक शेर याद आता है, रास्तों कहाँ गए वो लोग जो आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। मुझे लगता है कि जब भी कभी मनुष्यता की बात होगी, जब भी कभी संघर्ष की चेतना की बात होगी, ओपी मालवीय साहब हमारे बीच होंगे और उनका होना हमें नए सिरे से संघर्ष के लिए तैयार करेगा। उनको याद करना गंगा में नहाने जैसा है, पवित्र हो जाता है मन। और विचारधारा के आग्रह के बाद भी वो संकीर्ण कभी नहीं थे। फिराक और निराला को जब वो गाते थे तो इन दोनों रचनाकारों की रचनाओं के अर्थ नए तरह से खुलते थे। मैं तो उन्हें, चूंकि पिता उमाकांत मालवीय के बड़े अभिन्न साथियों में भी रहे वो, तो मेरे लिए तो आदरणीय भी थे वो और फादरणीय भी थे। फादरणीय सीधे सीधे पितृवत कह सकते हैं, पिता ही थे हम सारे लोगों के और संरक्षक थे, अभिभावक थे। तो उन्होंने हम सारे लोगों को एक दिशा दी है। हम सारे लोगों के प्रति मन से कृतज्ञ हैं और ऐसे अवसर पर उन्हें याद करना, फिर याद करना, लगता है कि हम अपने आप को ही नई तरह से संस्कारित कर रहे हैं। उनकी यादें भी संस्कार देती हैं।
मैं उन्हें याद करता हूँ भरे मन से, थोड़े से आंसू और कुछ पत्ते बेल के उन्हें अर्पित करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री एक छोटा सा प्रयास है कि हम गुरुश्रेष्ठ, प्रेरक और अनुकरणीय व्यक्तित्व, महान कर्मयोगी आचार्य ओम प्रकाश मालवीय जी द्वारा किए गए कार्यों, विचारों से प्रेरणा लें और इस परंपरा के तृण मात्र ही सही परंतु सच्चे प्रतिनिधि बन सकें। गुरुदेव ओपी मालवीय के आवाहन को जन जन तक पहुंचा सकें और उनकी वैचारिक क्रांति के उद्घोष के स्वर को मध्यम न होने दें। ये बात उस दौर की है जब देश में हर जगह अन्याय, अनीति, अशिक्षा और गुलामी का दौर था। इसी दौर में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के ऊंचा मंडी मोहल्ले में पंडित शंभूनाथ चौबे और श्रीमती रमा देवी रामा बहन जी के घर में बालक ओम प्रकाश का जन्म हुआ, जिसे बाद में उन्होंने यथा नाम तथा गुण के रूप में चरितार्थ करके दिखा दिया और प्रकाश का पुंज स्थापित किया। पिता की पहलवानी, तटस्थता और माँ रमा देवी जो कि एक प्रतिष्ठित शिक्षिका थीं, दोनों की शारीरिक और बौद्धिक विशालता की परंपरा बालक ओम को विरासत में मिली। अपनी माँ के दिए हुए दो विशेष मूल मंत्र पंडित ओम प्रकाश मालवीय ने अपने दिल में गांठ बांध कर रख लिया। पहला, बेटा हमेशा पढ़ते रहना, और दूसरा, किसी की मदद एक हाथ से करो तो दूसरे को पता न चले। माँ के द्वारा दिए गए इन दो मूल मंत्रों को पंडित मालवीय ने आजीवन गांठ बांध कर रखा और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। माँ की इसी शिक्षा का प्रभाव था कि यूपी बोर्ड की इंटर की परीक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में पंडित ओपी मालवीय ने तीसरा स्थान प्राप्त करके कुल, काल और कौशल को गौरवान्वित किया। अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा दान और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में लगा देने वाले पंडित ओम प्रकाश मालवीय ने जीविकोपार्जन के लिए प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और एक वर्ष तक अपनी सेवाएं दी, पर वहां के माहौल के अनुरूप उनका प्रशासनिक सेवा में मन कुछ लगा नहीं। उन्हें लगने लगा कि माँ की दी हुई वो शिक्षा यहाँ संभव प्रतीत होते नहीं दिख रही। ऐसी स्थिति में पंडित मालवीय ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया और प्रशासनिक पद से त्याग पत्र दे दिया और अध्यापन के क्षेत्र में आए। इस क्रम में उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में सहायक आचार्य के रूप में अध्यापन कार्य का शुभारंभ किया। आज के दौर में ये कितनी अद्भुत बात है कि कोई व्यक्ति कलेक्टर की नौकरी छोड़कर शिक्षक बन जाए। ऐसा साहस और आत्मविश्वास विरले ही लोगों में पाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब आप आए और विद्यार्थियों को शिक्षित करने का मन बना ही लिया तो ऐसा लगा कि पूरी कायनात आपके साथ हो गई। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी माँ की प्रेरणा से समाज को शिक्षित करना चाहता था, एक ऐसा वर्ग समाज को देना चाहता था, एक ऐसे नए भारत के निर्माण में शिक्षा की मजबूत नींव रखना चाहता था, उसके लिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही जरूरी था। और पंडित जी बहुत ही सूझबूझ और निष्ठा के साथ दोनों ही जरूरी काम अंतिम सांस तक करते रहे। 1969 में जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में एमए करने गया तो पहली बार मेरी मुलाकात प्रोफेसर ओम प्रकाश मालवीय से हुई। हम लोगों के लिए यानी छात्रों के लिए और अपने निकटस्थों के लिए वो हमेशा पंडित जी बने रहे, और मैं हालांकि मैं नास्तिक हूँ लेकिन मैं एक आस्तिक पद का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं अपने को भाग्यशाली सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी मुलाकात एक विलक्षण उस्ताद, एक बहुत अद्भुत मनुष्य, एक विकट प्रकृति प्रेमी, संगीत प्रेमी, एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो जिसका व्यक्तित्व बहुआयामी था और उसके व्यक्तित्व का हर पहलू
जैसे ही आप उसके करीब जाते थे और उसके बारे में जानकारी हासिल होती थी, आप चकित रह जाते थे कि पहली बार उनके साथ रह करके मैंने अच्छा साहित्य कैसे पढ़ा जाए, अच्छा मनुष्य बनने की कोशिश कैसे की जाए, एक प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ाव कैसे हो, धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इन सारी चीज़ों को उनके साथ रह करके समझने की का मौका मुझे मिला। मैं तो हमेशा इसे कहता भी रहा हूँ और अंदर से भी विश्वास करता हूँ कि मैं अगर उनके साथ, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अपने घर में 7-8 महीने बंद ना किया होता तो मैं शायद IPS में भी नहीं आ पाया होता। तो मैं समझता हूँ कि पंडित जी का मैं बहुत ऋणी हूँ। थोड़ी बहुत संगीत में मेरी दिलचस्पी पैदा हुई, प्रकृति पर्यावरण ये सारे शब्द कितने अर्थवान हैं इनकी मुझे समझ पैदा हुई। पंडित जी की स्मृति को जीवित रखने के लिए और उन कार्यक्रमों, उन मूल्यों, उन कंसर्न्स के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए जो पंडित जी को प्रिय थे, उनके सुपुत्र प्रियदर्शन और आनंद जिस तरह से सक्रिय हैं, उनके पौत्र उत्कर्ष जिस तरह से आगे बढ़ बढ़ करके कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए और ये अपेक्षा करनी चाहिए कि परिवार के दूसरे सदस्य और ये खास तौर से उत्कर्ष सबसे ज़्यादा सक्रिय आपको दिखाई देते हैं, ये सब मिल करके इसी तरह कार्यक्रम करते रहें और हर वर्ष किसी न किसी अवसर पर किसी न किसी बहाने पंडित जी को याद करें ताकि वो मूल्य जीवित रहें जिन मूल्यों के लिए पंडित जी जिए। पंडित मालवीय के अध्यापन शैली का प्रभाव ऐसा था कि वह स्वयं में एक कृति बन गए थे। उन्होंने अपने हम उम्र साथियों के साथ ही साथ नई पीढ़ियों के लिए जो जमीन तैयार की थी वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत, अनुकरणीय और प्रेरक है। उसी प्रेरक भूमि का ये नमूना है कि अब आज हमारे बीच वह विराट व्यक्तित्व श्रुति के माध्यमों से नई धड़कनों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। हमने उनसे जो विचार और संस्कार पाए हैं उसे नई पीढ़ी तक हस्तांतरित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रोफेसर ओम प्रकाश मालवीय जो मेरे लिए ओम भैया थे, मेरे जीवन में आए उन थोड़े से अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में एक हैं जो मेरे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत थे। मेरे छात्र जीवन में वे मेरे मार्गदर्शक थे। वे खुद भी उस समय वरिष्ठ छात्र थे। मैंने उन्हें इतने संघर्ष में गुजरते हुए देखा है कि जिसको थोड़े शब्दों में और थोड़े समय में बयान करना बहुत मुश्किल है। अपने छात्र जीवन में कितने कर्मठ और कितने कर्मशील अध्ययनरत वे थे, जिसको केवल एक घटना से मैं आभास दिला सकता हूँ। वे निरंतर अध्ययन में इस प्रकार निमग्न रहते थे कि उन्हें सिर उठा के इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, समय ही नहीं मिलता था। कभी भी एक क्षण भी उन्होंने अपने व्यर्थ नहीं गंवाई। उनसे चर्चा करना विद्यार्थियों के लिए जैसे एक प्लाटोन की अकादमी में चर्चा हो रही होती थी, वैसे ही उनके आसपास चर्चा छिड़ी रहती थी, जिसमें उच्चतम पुस्तकों पर चर्चा होती थी, आसपास के जीवन पर चर्चा होती थी, समकालीन राजनीति पर चर्चा होती थी, विश्व के और देश के ज्वलंत प्रश्नों पर चर्चा होती थी और खुलकर
उनके सामने सारी उनकी शिष्य, उनकी मित्र, उनकी विद्यार्थी भाग लेती रहती थी। पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में और फिर वहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में वो आई। उन्होंने सारा जीवन एक पूरी तरह से समर्पित अध्यापक के रूप में ही व्यतीत किया। वे अपनी कक्षाओं में रहे हों, वे कक्षाओं के बाहर सभाओं में, सम्मेलनों में रहे हों, वे अपने घर पर रहे हों, वे हमेशा एक सफल और अत्यंत कर्मठ अध्यापक के रूप में, विद्यार्थियों के आदर्श के रूप में वे सामने आए। वे विचारक के रूप में, चिंतक के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और परिवार के अभिभावक के रूप में सभी जगह एक तरह से समान समर्पण के साथ अपनी भूमिकाएं निभाते रहे। उन्होंने निरंतर लिखा, वे छात्र जीवन से ही लिख रहे थे और जीवन के अंतिम क्षण तक वे लिखते रहे और बहुत ही उत्कृष्ट अकादमिक रूप से सचेत विद्वान थे। थोड़े शब्दों में उनके लिए कहना बहुत मुश्किल है। उनके व्यक्तित्व के जितने आयाम हैं उनके कहने के लिए बहुत समय चाहिए। मैं तो उनको आदर से स्मरण करता हूँ और आज भी अपने एकांत क्षणों में उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ उनकी जैसी कुछ बातें मैं सीख पाऊँ और कर पाऊँ अभी भी जीवन के इस चरण में भी। आज हम इलाहाबाद शहर की एक ऐसी हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनका नाम उनके चले जाने के बाद भी वहाँ की यूनिवर्सिटी में, सड़कों पर और लोगों के दिलों में गूंजता रहता है। मेरा मतलब है ओम प्रकाश मालवीय जी प्रोफेसर से। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे इंग्लिश के, ये तो सभी जानते हैं। बहुत जानी मानी हस्ती थे। हम रानी मंडी में रहते थे तो वो कल्याणी देवी में रहते थे और अक्सर देखती थी मैं कि जो एमए इंग्लिश के छात्र थे वो हमारे घर जब आते तो कहते कि हम जरा कल्याणी देवी हो आए। मैं कहती वहाँ क्या काम है, तो कहते थे हमें मालवीय सर के पास जाना है, उनसे कुछ पूछना है। तो मालवीय सर ऐसे थे कि जो जीवन भर शिक्षक बने रहे। 1994 में उन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया लेकिन उनके घर पर छात्रों की भीड़ कभी कम नहीं हुई। उनके घर पर लड़के रहते थे, वहीं पर वो खाते थे, सोते थे, वहीं पढ़ते थे। उनसे उन्होंने अपने घर को एक तरह का आश्रम बना रखा था। और खूबसूरती ये थी कि वो अकेले नहीं थे, ये अकेले हैं इसलिए उनके पास छात्रों की भरमार है। उनके साथ उनका पूरा कुनबा था। उनके घर में उनका उनकी पत्नी तो थी ही, साथ में उनके पुत्र, उनके पुत्र के पुत्र, उनका परिवार सब साथ में रहते थे। और ये एक सह अस्तित्व का एक ऐसा उदाहरण था कि जो किसी के लिए भी ईर्ष्या और गर्व दोनों का विषय हो सकता है। ओपी सर के अंदर एक धुन लगी रहती थी। न जाने कितने बच्चों ने उनके पास रहकर और आईएएस की और पीसीएस की परीक्षाएं पास की। जैसे विभूति नारायण राय तो अभी तक मानते हैं कि भी ओपी सर ने हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाया। शीश खान एक दूसरे आईपीएस ऑफिसर है, वो भी उनकी बहुत सराहना करते हैं, ये उनके वजह से उनका जीवन बना। के पी सिंह थे, ये सारे तो प्रशासन में आए हुए लोग थे और न जाने कितने लोगों ने पढ़कर, उनसे पढ़कर और आगे प्राध्यापन में गए। अच्छा, उनके अंदर तरह तरह के शौक थे। उनको बागवानी का बड़ा शौक था तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कभी पेड़ लगाए जाए तो घर में तो पौधे लगाते ही थे। सामने एक कब्रिस्तान था दरियाबाद का, वो दिखता था उनके घर से। अब वो एकदम सूना उजाड़ जैसे कब्रिस्तान होते हैं, बड़े उदास सा लगता था वो देखने से। तो मालवीय सर ने कहा कि यहाँ पर हम कुछ हरियाली पैदा करें, कुछ पेड़ लगाएं। तो जो उनके छात्र थे वो उनको लेकर जाते थे और रोज 8-10 पौधे वहाँ लगा कर आ जाते थे।
अब धीरे धीरे देखिए पेड़ जो है वो फल फूल के खुली हवा में और वो बड़े होने लगे और वृक्ष बन गए। हालत ये हो गई कि दरियाबाद का कब्रिस्तान जो है वो गुलिस्तान बन गया और लोग सब उनको मालवी जी को देखते तो कहते थे पेड़ वाले मालवी जी आ गए कि जब वो आएंगे कुछ पेड़ जो है लगा कर ही जाएंगे। उनके बहुत सारी सिफ्तें थी क्या क्या उनके बारे में याद किया जाए। जिस दिन एक दिन अचानक जब मैं इलाहाबाद पर लिख रही थी तभी मुझे अचानक एक दिन पता चला कि ओपी सर नहीं रहे। बड़ा धक्का सा लगा। उस समय मैं ओपी सर के बारे में ही लिख रही थी। हाँ एक बात उन्होंने बताना ही भूल गई। एक बात ये कि उन्होंने गालिब छोटी शराब पड़ी रविंद्र कालिया की। अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ओपी सर जैसे सात्विक व्यक्ति और गालिब छोटी शराब जैसी किताब पढ़ेंगे। उन्होंने वो किताब पढ़ी उन्हें पसंद आई और उन्होंने उसको बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे किसी से अनुवाद करना शुरू कर दिया। मैं आज के दिन उन्हें बहुत याद कर रही हूँ। पंडित जी के बारे में मैं क्या क्या याद करूँ। मुझे आज भी 1993 की वो शाम याद है जब मैं ललितपुर से इलाहाबाद गया था। उनका कहना था कि रोजगार प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का हक है और मैंने ऐसे ही एक विचार विमर्श के दौरान कह दिया कि पंडित जी मैं तो सांप्रदायिक हिंदू हूँ। पंडित जी ने मेरी बात पे ठहाका लगाया और उस दिन शाम को बहुत सारी बातें हुई। अगले 6 साल पता ही नहीं लगा कि मेरे अंदर से वो सांप्रदायिक हिंदू कहाँ पलायन कर गया। पंडित जी के साथ उनकी दिशा निर्देशों पर चलते हुए उनके साथ तमाम संगोष्ठियों सभाओं सम्मेलनों में जाते हुए मेरे अंदर से एक भिन्न मनुष्य निकल कर सामने आया। आज मैं जो हूँ चाहे अनुवादक के रूप में चाहे एक व्यक्ति के रूप में या समाज में मेरी जो भी उपस्थिति है उसका सारा कुछ श्रेय सिर्फ और सिर्फ पंडित जी को जाता है। पंडित जी ना होते तो शायद मैं बिल्कुल अलग मनुष्य होता। मनुष्य होता भी कि नहीं होता ये भी नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि पंडित जी ने जो दृष्टि दी जो मूल्य दिए उसका ही ये प्रताप है कि आज मैं बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी नौकरी में हूँ, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा महसूस करता हूँ। मेरे जीवन में उनकी कमी सदैव खलेगी। जहां तक पंडित जी के शिष्य होने का प्रश्न है मेरे लिए वो सही मायने में गुरु थे जिन्होंने मेरा जीवन बदल के रख दिया। सामाजिक एवं राजनीतिक संघर्ष की प्रतिध्वनि उनके व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा बन गई। साम्राज्यवाद के हर पहलू को प्रतिरोधी आंदोलन के साथ जुड़ाव, समकालीन जीवन की समस्याओं पर चिंतन तथा शिक्षक के रूप में उनका समर्पण और परिश्रम अब उनके स्वयं के अंदर एक आंदोलन का रूप ले चुका था। प्रोफेसर ओपी मालवी इस शहर के गंगा जमनी तहजीब के उन प्रतिनिधि व्यक्तित्वों में थे जिन्हें देखकर ये समझा जा सकता था कि सही अर्थों में प्रगतिशील आधुनिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले लोग कैसे होते हैं। अक्सर मेरे पिताजी मेरी माँ से ये कह के सुबह सुबह निकल जाते थे कि मैं ज़रा पंडित जी से मिलकर आता हूँ। मैं सोचती थी कि पंडित पे आस्था न रखने वाले मेरे पिताजी ये कौन से पंडित जी से मिलने जाया करते हैं, पर जानती नहीं थी और समझती थी कि कोई मेरे पिता जैसा ही कोई व्यक्तित्व होगा। तो मैं अक्सर एक व्यक्तित्व को देखती थी साफ सफाक कपड़ा पहने हुए, मूंगफली के दाने टूंगते हुए और कोई पक्का राग बेहिचक गाते हुए यूनिवर्सिटी से कल्याणी देवी तक पैदल चला जाता था। पिताजी ने बताया कि यही पंडित ओपी मालवी जी हैं जो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं पर संगीत भी जानते हैं और संगीत में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है और इसके अलावा वो सही अर्थों में पंडित यानी विद्वान हैं। पापा के बाद भी वो हमेशा एक अभिभावक की तरह रहे। प्रोफेसर ओपी मालवी जी हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उस परंपरा के गुरुओं में एक थे
जो न सिर्फ सब्जेक्ट सिखाते थे बल्कि वो जीने के मूल्य बोध भी सिखाते थे। वो रूढ़ अर्थों में पंडित नहीं थे, वो शाब्दिक अर्थों में सही में पंडित थे। उनको इतना ज्ञान था संगीत का, और सबसे बढ़ के जो मैंने जाना कि प्रगतिशील मूल्यों को जीवन में कैसे उतारा जाता है, सही सही प्रगतिशीलता जीवन में कैसे उतरती है, वो उन्होंने अपने घर में करके दिखाया। ऐसे लोग अब विरल होते जा रहे हैं जो अपने व्यक्तित्व अपनी वेशभूषा से बिल्कुल इतर, दिमाग से बिल्कुल खुले मैं ऐसे एक व्यक्तित्व को जान सकी, ये मेरा सौभाग्य था। और मैं समझती हूँ कि मैं उनके उसूलों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकूँ तो बड़ी बात होगी। पंडित ओम प्रकाश मालवीय एक संघर्षरत, समर्पित एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी आचार्य थे। जो लोग वर्तमान में यह कहते हैं कि मेरी परिस्थितियां सही नहीं हैं, इसलिए मैं जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूं, उनके लिए पंडित जी का जीवन एक उदाहरण के रूप में पेश किया जा सकता है। अभाव के बीच पूरे परिवार का भार संभालना, संवेदनशील और कठोर अध्ययन से मन को नियंत्रित रखकर स्वयं को संवेदनशील बनाना, स्वाध्याय से ज्ञानार्जन के अतिरिक्त पूरे दिन ट्यूशन से जीविकोपार्जन करना और बचे हुए प्रत्येक क्षण अपनी पढ़ाई को सर्वोच्च मानकों के साथ करना, ये एक सच्चे कर्मयोगी के ही गुण हैं। कुल मिलाकर पढ़ना और पढ़ाना ही उनके जीवन के मूल मंत्र थे। परिवार के प्रति उत्तरदायित्व और उसके प्रति सतत संघर्ष तथा सामाजिक सरोकारों के प्रति स्वयं में प्रतिबद्धता विकसित करना ही उनकी सजग परिणति थी। प्रोफेसर ओम प्रकाश मालवीय जी के बारे में थोड़ी सी एक मिनट के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं। हालांकि उनके बारे में मुझे बोलना एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। वो इतने महान पुरुष थे कि उनके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं बखान करूं। संगीत में जो उनकी महानता थी, ये वो एक अलग छवि थी। संगीत उनका प्राण के जैसा था, प्राण था उनमें, उनका प्राण बसता था संगीत में। और वे दिन रात संगीत, बड़े बड़े उस्तादों से, पुराने जमाने में रामपुर के दिलशाद खान से उन्होंने शिक्षा लिया, और कहीं कहीं और भी अपने हिसाब से, और सारे कवि, जितने भी कवि हैं, महान महान कवि रहे हैं, सबका वो बंदिश को ध्रुपद शैली में गाते थे। और तमाम वो 2007 तक, जब तक हम इलाहाबाद में थे तब तक वो उनके साथ मैंने किया, और एक दूसरे से हम लोग बहुत, वो हमको बहुत प्यार करते थे, वो मेरे पिता तुल्य थे। और आज भी उनकी याद हमें बहुत आती है, और उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ, बहुत बहुत श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मैं जब क्लास 9th में था तभी पंडित जी के संपर्क में आ गया था, और तब से लगातार उनके संपर्क में रहने पे हमें बहुत सी बातें उनसे सीखने को मिली। वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे और हमारे लिए गार्जियन की तरह थे। मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में मैं अक्सर बीमार पड़ जाया करता था, और यह सोचता था कि विज्ञान के विद्यार्थी तो कमज़ोर होते ही हैं और उनका अक्सर बीमार पड़ जाना भी बहुत स्वाभाविक है। पंडित जी ने हमारी यह सोच पूरी तरह से बदल दी और उनसे हमें अनेक बातें सीखने को मिली। पंडित जी अक्सर ये कहा करते थे कि साइंस में वैल्यूज़ और एथिक्स ज़रूर होने चाहिए। अक्सर हम लोगों को कुछ महान वैज्ञानिकों की बात बताते थे, और उसके साथ यह भी बताते थे कि कैसे वो महान वैज्ञानिक अपनी वैल्यूज़ और साइंटिफिक और सोशल कमिटमेंट के कारण समाज का कुछ भला कर पाए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने BSc का हमारा रिजल्ट आया था, उसके बाद पंडित जी ने मुझे एक पुस्तक भेंट स्वरूप दी जो आइंस्टीन की थी, माई व्यूज़। उसमें आइंस्टीन की सोशल कमिटमेंट और सोशल वैल्यूज़ के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। अभी तक मुझे याद है कि हमारे किसी वैज्ञानिक अध्यापक ने हमको आइंस्टीन के इस पहलू के बारे में नहीं बताया जो पंडित जी ने हमको बताया। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो बहुत अच्छे से मैं जानता था, लेकिन उनके सोशल कमिटमेंट के बारे में मेरा पहली बार परिचय हुआ, उसका श्रेय पंडित जी को ही है। साइंटिफिक अप्रोच को समझने में पंडित जी ने ही हमारी सहायता करी। उन्होंने ही बताया कि साइंटिफिक अप्रोच क्या हो सकता है, क्या होता है, और उसको कैसे जो है अपने जीवन के हर पहलू के लिए लगाया जाना चाहिए। पंडित जी उसी समय, उस समय ही इस बात की बहुत
चर्चा करते थे और इम्फेसिस देते थे कि साइंस बिना वैल्यूज के, बिना एथिक्स के कुछ भी नहीं है, उसको उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो हमारे अंदर बहुत सी बातें हैं, जैसे हिस्ट्री और कल्चर की समझ, फिलासफी की समझ, क्लासिकल म्यूजिक के प्रति अप्रिशिएशन और एक समाज से जुड़ने की भावना, इन सबका श्रेय पंडित जी को ही जाता है। पंडित जी को हमने बहुत लंबे समय तक देखा और कभी भी विषम परिस्थितियों में मैंने उनको कभी भी अपने वैल्यूज से विचलित नहीं होते देखा। आज पंडित जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचारों से और उनकी वैल्यूज से वो हमारे अंदर अभी भी जीवित है। और जब भी हम कभी किसी विषम परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमें कोई ना कोई नया रास्ता वो दिखाते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में एक शिक्षक की परिकल्पना ज्ञानी ना तत्वदर्शी दर्शन के रूप में दिखाई गई है, जिसका सीधा आशय ही है कि जिसने विषय के तत्व को आत्मसात कर लिया हो वही एक श्रेष्ठ शिक्षक के प्रज्ञावान होने का प्रमाण है। विषय के तत्व को आत्मसात करने की कला एक अद्भुत भाषा शैली है, कम्युनिकेशन स्किल है, और इस शैली के माध्यम से ज्ञान को छात्रों के अंतःस्थल में उतारने की कला पंडित ओम प्रकाश मालवीय में थी। विश्वविद्यालय में उनकी कक्षा में पढ़े हुए छात्र यह बताते हैं कि वे ऐसे दुर्लभ शिक्षक थे जो अपनी कक्षा में पढ़ाते हुए अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत के श्लोकों और उर्दू के शेरों का भी उदाहरण दिया। इंग्लैंड में जाते थे उनको पढ़ाने के लिए, बीए में मैंने इंग्लिश किया था लिटरेचर, तो डेली जाते थे बिना नियम, पानी बरसे पत्थर पड़े कुछ भी करे, लेकिन वो जाते जरूर थे और पैदल जाते थे पैदल से। और ऐसे हमारे हमें यहाँ भी नहीं पढ़ाया उन्होंने, हमारे सब बच्चे पढ़ाए किरण जी उत्कर्ष मुझे उठा कर को ले गए और चलने में, क्योंकि उठा चलने में असमर्थ थी, उनके पार्थिव शरीर का दर्शन कराकर बाबा के वचनों की दोनों ने लाज रखी। सत्यता श्री उत्कर्ष और विमर्श इस अंतिम मिलन के लिए सदा आशीर्वाद के भागी रहेंगे। प्रोफेसर स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश मालवीया पंडित जी, जिन्होंने हमें जीवन सिद्धांत सिखाए, जीवन मूल्य सिखाए, और उनके सानिध्य पर रहकर हमने समझा कि महान व्यक्ति किस तरह उनके मनोभाव रहते हैं, किस तरह उनकी किस तरह वो रहते हैं, उनकी झलक देखने को हमको पंडित जी में मिली। और जीवन में उन्होंने हमको कसौटियाँ दी, स्थाई भाव दिए, जीवन सूत्र दिए, जैसे कि हम अपनी आवश्यकता और सुविधाओं के लिए जो खर्च वो करते हैं उसको विशेष महत्व ना देके जो आप दूसरों के लिए करते हैं, हाउ मच यू डू फॉर अदर्स, वो कसौटी रखी कि उससे मालूम चलता है कि आपका जीवन कितना सार्थक है। और जो भारत का सेक्युलर और डेमोक्रेटिक फैब्रिक है उसके प्रति उनकी निष्ठा, उन्होंने जो हमेशा कृषि की चिंता करते थे, रोजगार की चिंता करते थे, युवा रोजगार की, गांव की चिंता करते थे, हमेशा देखते थे कि कितनी बारिश हुई, किसानों की फसल कैसी है, जो आज के जैसे कहते हैं दूरदृष्टि होती है महान व्यक्तियों में, तो कहते थे कि नॉन इश्यूज़ को उठाया जाता है, जबकि लोग नॉन इश्यू को समझते नहीं, वो सोचते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इश्यू, जबकि नॉन इश्यू यानी जो इश्यू है ही नहीं उसको इश्यू बनाया जाता है। तो ये उस वक्त पंडित जी ने हमको बताया था। और फ़ायदे से क्या फ़ायदा है, या रुपए वैसे को हाथ का मैल समझते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो मनो है कि जितनी शाखाएँ उतने वृक्ष, तो हम भी स्वयं को उनकी शाखा के रूप में पाते हैं। प्रेम की प्रतिमूर्ति थे, हमेशा स्नेह भाव रखते थे, और पंडित जी को कृतज्ञ भाव से नमन करता हूँ। जो तेरी पुकार पर कोई न आए तो एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की ये पंक्तियाँ उन्होंने चरितार्थ करके दिखाई। प्रकृति के प्रति प्रेम और उपभोक्तावादी न होना इस बात का प्रमाण था कि पंडित जी ने अपने जीवन में कभी भी कूलर व एसी का प्रयोग नहीं किया,
बल्कि पंखे का प्रयोग भी भीषण गर्मी में ही करते थे। उनकी मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व की बीमारी को यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग आजीवन वे स्वस्थ रहे और अपनी हर बीमारी को गर्म पानी पीकर या खुद से परहेज करके ही सही कर लिया करते थे। ऐसे थे गुरुदेव ओम प्रकाश मालवीय जी। आपने अपने जीवन काल में हजारों वृक्ष लगाए। इलाहाबाद के दरियाबाद मोहल्ले के कब्रिस्तान को उन्होंने एक वीरान बंजर से एक हरा भरा कब्रिस्तान बना दिया, जिसे बाद में लोग गुलिस्तां कहने लगे। आज भी वो उस इलाके की ऑक्सीजन प्लांट की तरह काम करने वाली यादगार जमीन बनी हुई है। पेड़ धरती पर कभी भारी नहीं होते, आदमी की तरह आरी नहीं होते, पेड़ अपनी जमीन पर खड़े हैं, इसीलिए आदमी से बड़े हैं। पंडित जी ने वृक्षारोपण को एक आंदोलन का रूप दिया और पर्यावरण की समस्या को ज्वलंत रूप से उठाया। उनका यह मानना था कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण की सक्रियता से सामाजिक सद्भाव बढ़ता है और आज के इलाहाबाद में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पंडित ओम प्रकाश मालवीय जी के लगाए पेड़ आज भी न केवल खड़े हैं बल्कि हरे भी हैं और भरे भी हैं। उनका मानना था कि पर्यावरण का मसला गरीब आदमी का मसला है। काल मार्क्स और गांधी के पक्के अनुयायी थे पंडित ओम प्रकाश मालवीय जी। आजीवन गांधी जी के आदर्श और मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित रहे। मार्क्स और गांधी विश्व पटल पर दो ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने पूरे विश्व का सोचने का दृष्टिकोण ही बदल दिया और उसी विचारधारा की मशाल को पंडित जी जीवन भर लेकर चलते रहे। 90 के दशक के प्रारंभ में जब सांप्रदायिकता फैल रही थी और पर्यावरण की चेतना भी साथ साथ थी, तो मालवीय जी ने जिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा, उन्हीं को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक सैनिक के रूप में भी तैयार किया। वर्ष 1990 के दिसंबर महीने में जब पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा था, उस समय मालवीय जी ने प्रोफेसर बनवारीलाल शर्मा के नेतृत्व में एक काफी बड़ा मौन जुलूस शहर के अलग अलग हिस्सों से निकाला था। इस बात का उल्लेख उनके प्रिय और योग्य शिष्य विख्यात चिंतक विचारक श्री वीएन राय जी ने उनकी मृत्यु के कुछ दिन पश्चात हिंदुस्तान समाचार पत्र में लिखित लेख एक शिक्षक जो समाज के लिए था, लिखा कि इस दिन उस जुलूस ने सांप्रदायिकता की आंधी में फव्वारे का काम किया था। पंडित मालवीय का जीवन उनकी पत्नी स्वर्गीय भारती देवी के बिना अधूरा था इस लक्ष्य की प्राप्ति में। पूर्ण श्लोका भारती देवी जी का स्मरण न किया जाए तो पंडित जी का जीवन अधूरा दिखेगा, अपूर्ण दिखेगा। भारती देवी के समर्पित सहज स्नेह में तथा सहिष्णु जीवन का पंडित जी की आचार्यता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोनों ने अपने छात्र जीवन में ही प्राचीन इतिहास की एक पुस्तक लिखी थी। इसे किसी यूनिवर्सिटी रोड के प्रकाशक ने प्रकाशित किया था, शायद स्टूडेंट फ्रेंड्स थे। उस समय उन्होंने अंग्रेजी व्याकरण के लिए एक किताब लिखी जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। निराला के कवि सखी वसंत आया वो बड़े मनोयोग से गाते थे।
एक आदर्श शिक्षक के रूप में श्री मालवीय जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है मानवीय गुणों की संपन्नता तथा व्यक्तित्व की सरलता। मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत मालवीय जी शिक्षा और शिक्षण में ऐसे डूबे थे कि एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति ने उनसे कहा, मिस्टर मालविया, यू हैव अ वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी, यू प्लीज एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ द चीफ प्रॉक्टर। लेकिन मालवीय जी ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि मैं प्रशासनिक सेवा को छोड़कर सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के लिए ही आया हूँ, कृपया मुझे किसी प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी न दें। मालवीय जी के अंदर इस भावना की उत्पत्ति संवेदनशीलता से तथा उनके ज्ञानार्जन के कारण ही आ पाई। उनके सभी गुरुओं जैसे कि श्री लाल जी, श्री राम नगीना जी, आचार्य क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय जी, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी साहेब को शत शत नमन है। पंडित ओपी मालवीय जी पर्यावरण की महत्ता को समझते थे। सन 1970 में ग्लोबल वार्मिंग पर लिखा हुआ उनका निबंध इस बात का साक्षी है। ये वो समय था जब ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे को समाज में लोग झूठ बतला दिया करते थे। प्रोफेसर ओम प्रकाश मालवीय जो हमारे उस्ताद थे और जिन्हें हम सब लोग हमेशा पंडित जी कहते थे, उनकी जो सरपरस्ती और उनका जो स्नेह मुझे जिंदगी में मिला है वो मेरा एक अनमोल खजाना है। मैं यूनिवर्सिटी में शायद दाखिल हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उस वक्त पंडित जी जो है वो हमारे अंग्रेजी के उस्ताद थे, उनसे परिचय हुआ, फिर कुछ दिनों बाद मैं उनके संपर्क में आया और फिर कुछ ही दिनों बाद ये हो गया कि मैं उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया, उनके घर का हिस्सा बन गया। और जब तक इलाहाबाद में रहा तब तक ज़्यादातर वक्त वहीं गुजरता था। इस अरसे में मैंने देखा कि इस ज़माने में किस तरह से टीचर टॉट रिलेशन जैसे होते हैं, शिक्षक और उसका शागिर्द जो होता है उसकी किस तरह तरबियत की जाती थी, जो आगे चल के हमने किताबों में पढ़ा। और उनका घर क्या था, सेंटर ऑफ लर्निंग था जिसमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि मानवीय स्वभाव को कैसे समझा जाए। कभी भी उनके घर पे स्टूडेंट्स में और उनके अपने बच्चों में मैंने किसी तरह का कोई फर्क नहीं देखा। और इसमें जो उनकी स्वर्गीय पत्नी थी श्रीमती भारती देवी, जिनको हम लोग बहन जी कहती थी, दोनों का यकसा बिल्कुल सलूक होता था कि बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स को बच्चों की तरह प्यार करना, बच्चों की तरह मांगना, उनसे कोई गलती हो जाए तो डांट फटकार भी करना। डांट भी बड़ी प्यारी होती थी। क्लासिकल संस्कृत से उनका बेहद गहरा रिश्ता था। गालिब उनके बहुत प्यारे शायर थे। साहित्य के साथ साथ इतिहास उनका एक बहुत प्रमुख विषय था, इसलिए उन्होंने लिखा भी है और हम लोगों को बराबर उसकी जानकारी दिया करते थे। ऐसी अद्भुत शख्सियत जो है वो हमेशा याद रहेगी और हम कभी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। उनकी नज़र में विद्यादान गुरु और शिष्य के बीच वह चेतना का प्रभाव है। जब ज्ञान मानवीय संवेदनाओं से उत्पादित होता है तब शिष्य संपूर्ण श्रद्धा भाव से उसे ग्रहण करता है। आज की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में यह होना बहुत ही दुर्लभ है। पंडित जी का संगीत एवं साहित्य से गहरा नाता था। गुरु जी ने इस बात के मर्म को बहुत अच्छे से समझा था कि साहित्य की सभी विधाएं जब शास्त्रीय संगीत से जुड़ेंगी तो उससे जो भावपूर्ण वातावरण बनेगा उसका कोई जोड़ नहीं होगा। मालवीय जी की प्रतिभा ने इस संबंध को पहचाना और साहित्य साधना के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की भी साधना की और अंततः दोनों विधाओं में उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने एक तरफ जहां निराला, फिराक, फैज, गालिब, जयशंकर प्रसाद को गाया, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संस्कृत श्लोकों को भी गाया। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों किताबें लिखीं, प्रतियोगी छात्रों के लिए प्रतियोगी साहित्य और सामान्य ज्ञान की किताबें लिखीं। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की 50 से भी अधिक समीक्षात्मक किताबें लिखीं, जैसे कि विलियम वॉर्ड्सवर्थ की किताबों की समीक्षा, V.S. न्यायपाल की द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास की समीक्षा, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन की समीक्षा, हरमन मेलविली एंड हिज मॉबी डिक की समीक्षा। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी थी जो इतने कम समय में बताया नहीं जा सकता। पंडित जी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता को जीवंत किया और अक्सर वो उसको गुनगुनाया भी करते थे। वे द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्थ हाई, वे नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls,
where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way, into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by the thee, into the ever-widening thought of action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. जहाँ मन है निर्भय, मस्तक है ऊंचा, ज्ञान है मुक्त, जहाँ शब्द प्रस्फुटित होते हैं सत्य की गहराई से, जहाँ अथक संघर्ष आलिंगन करता है पूर्णता का, जहाँ निस्तेज अभ्यास की रोखी रेत में तर्क की स्वच्छ धारा ने नहीं खोया है अपना पथ, मुक्ति के उस लोक में होने दो मुझे जागृत, होने दो मुझे जागृत। मैं अपने पिता समान ससुर साहब प्रोफेसर मालवीय जी को प्रणाम करती हूँ। और जब यहाँ पर ब्याह कर पहली बार आई तो बड़ा ये लगा कि कैसे इस घर में एडजस्टमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर उनके सभी बच्चों का और हमारी आदरणीय स्वर्गीय माता जी, उनका भी बड़ा स्नेही व्यवहार रहा हमारे साथ, और हमारे बाबूजी का भी, कभी ये नहीं उन्होंने एहसास होने दिया कि वो एक ससुर हैं, एक पिता के समान ही हम लोगों को हमेशा बेटा बेटा करके ही पुकारते थे, और ना ही कोई पर्दा करवाए ना कुछ। उन्हें पढ़ाई में विशेष रुचि थी, और अपने सभी विद्यार्थियों के बीच जब ये यूनिवर्सिटी से घर आते तो तब भी विद्यार्थियों के बीच घिरे रहते, तो ज़रा भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई देती थी, हमेशा प्रसन्नतापूर्वक ही उसे बताते थे। और उनके जो भी विद्यार्थी नौकरी में आ गए, उनकी भी कुशल क्षेम की जानकारी रखना, सबके बारे में जानना, अपने बच्चों के अलावा अपने शिक्षार्थियों के साथ भी पुत्रवत स्नेह ही रखते थे। हमारे बाबूजी को पढ़ाई से इतने ज़्यादा लगाव था, अन्य विषयों के भी, अपने अंग्रेजी के अलावा हिंदी साहित्य और संस्कृत सभी में, कि उन्होंने मुझे बांग्ला सीखने के लिए, यहाँ पास में लाजपत राय स्कूल है वहाँ पर एक बांग्ला की टीचर आती थी, वो सभी बच्चों को पढ़ाती थी, मुझे मेरे भी उन्होंने ही प्रैक्टिस करके वहाँ भेजा। बांग्ला भाषा का झुकाव उनका इसलिए अत्यधिक था क्योंकि उन्हें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी से की विशेष रूप से वो प्रभावित थे, और उनको उनके फैन भी थे, इसीलिए उन्होंने मुझे बांग्ला सीखने के लिए भेजा। और बांग्ला भाषा को सीखना, पढ़ना लिखना, चूँकि थोड़ा बोलना, इस सबसे बड़े ही प्रभावित होते, खुश होते थे। और उनके साथ मेरा विषय रहा है तबला, तो उनके साथ कुछ दिनों तक मुझे संगत करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके निधन से कुछ समय पूर्व वो हमारे साथ लखनऊ गए हुए थे, वहाँ पर उनके 30 वर्ष पुराने विद्यार्थी आए हुए, तो उनके साथ उस दिन सारा दिन उनका समय बड़ी अच्छी तरह बीता, और हमारी बेटी को पढ़ा भी रहे थे। हम लोगों को जरा भी ये इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे साथ सारा दिन सामान्य रूप से पढ़ा रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, और हमारे बाबूजी इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़ दें। इसलिए मैं सामान्य ढंग से बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि कैसे अचानक बस लेटे 10-15 मिनट के बाद एक आवाज़ से निकली से हे राम करके, तो हमने सोचा कुछ दिक्कत हो गई क्या, लेकर के गए बच्चे लोग डॉक्टर के पास, लेकिन कोई इसी नहीं शब्दों के साथ मैं अपना श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करती हूँ। Now, there is a very distinguished felicitation as Professor Fathni, in his inaugural welcome speech, he said, Professor O.P. Malviya from the English department, a very renowned teacher who has taken all the pain to come here in this age. We are so thankful to you, sir. This is really a matter of great pride that he has taken all the pain to come here. I know when I was a student in the English department, Professor R.K. Singh was also there. So he is my teacher. He was a bit senior. And yeah, he was teacher of Professor R.K. Singh also. So this is our great pride. We are so thankful to you.
Professor R.P. Singh, please come on the stage. Professor Anita Gopesh, he has taught them also. Now, teacher and students are there on the stage. Please give them a big hand. This is the best award any teacher can get in his lifetime, and we are so thankful to you, Professor Malviya, that you have taken all the pain in this age to come here. Thank you very much, sir. सामाजिक चेतना को जगाने के लिए पंडित ओम प्रकाश मालवीय जी ने न केवल खुद बल्कि अपने पुत्रों पुत्रवधुओं और पौत्रों पौत्रवधुओं और पौत्रियों को भी खूब प्रेरित किया। कृषि और कृषक के प्रति उनकी गहरी संवेदना थी। कृषि, किसान और मौसम की, विशेषकर वर्षा ऋतु की चर्चा उनकी पहली प्राथमिकता हुआ करती थी। सूखे की पीड़ा और बारिश का सुख उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। अच्छी बारिश होने पर सबको मिठाई खिलाना उनका प्रिय शगल था। गुरुजी नेहरू, टैगोर, कार्ल मार्क्स, विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और रूसी साहित्य के ऐसे बहुत से चिंतकों के गहरे प्रशंसक थे। पंडित जी जैसे विशाल व्यक्तित्व को इतने कम समय में नहीं बांधा जा सकता। हमारा यह प्रयास है कि हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से आप लोगों को, समाज को नैतिक जिम्मेदारी का बीजारोपण करने का उनका जो ध्येय था, उस श्रृंखला को आगे बढ़ा सके। पंडित ओम प्रकाश मालवीय वास्तव में सच्चे अर्थों में एक आचार्य और गृहस्थ संत थे। नमस्कार। अपने पितामह को याद करते हुए मैंने एक छोटा सा ये प्रयास किया है, उनकी यादों को पुष्पगुच्छ को संजोने का। और कोरोना ऐसी इस महामारी के विपरीत काल में जो कुछ मेरे से संभव हुआ, क्योंकि इस वर्ष मैं कोई कार्यक्रम मंच पे नहीं कर पाया, ऐसे ऑनलाइन मैंने कार्यक्रम रखा था, तो और इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री को बनाने में जो मुझे वीडियोस लेने थे, तो सबसे जाके वीडियो शूट करना संभव नहीं था, लेकिन सभी ने मेरा सहयोग किया और व्हाट्सएप और दूर बैठ के लोगों ने मुझे मेल के माध्यम से अपने वीडियोस भेजे। मैं उन सभी आदरणीय लोगों का जिन्होंने मुझे अपने विलक्षण वीडियोस भेजे हैं, जिन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है, उनको हृदय तल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इसी के माध्यम से मैं बाबा को याद कर रहा हूँ और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।